पकने के बाद इसको चूल्हे से हटा लें और ठंडा होने के लिए रख दें। एक और पैन में 1 किलो दूध के अंदर चीनी ऐड करें, इसे पकने के लिए रख दें। थोड़े से दूध में 2 चम्मच मैंगो कस्टर्ड के डाल लें, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करें और दूध के अंदर डालकर कस्टर्ड बना लें। अब ये आपके पास 2 फ्लेवर में कस्टर्ड तैयार है, एक चॉकलेट फ्लेवर में और एक चॉकलेट फ्लेवर में और दूसरा मैंगो फ्लेवर में। इसे भी पकने के बाद ठंडा होने के लिए रख दें। ये बनाना केक है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको हम थोड़ा सोक कर रहे हैं, थोड़े पानी में हमने थोड़ी सी चीनी डालकर इसे सोक कर लिया है। अब एक बाउल में थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे और थोड़े कट किए हुए बनाना और कस्टर्ड डालते जाएंगे और बार बार इसी तरह लेयरिंग करेंगे केक के साथ और कस्टर्ड के साथ और साथ में बनाना कट किए हुए। 4 से 5 लेयर लगाने के बाद इसे हम गार्निश कर देंगे। आप फलों के साथ भी, कटे हुए फलों के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं या मज़ीद कोई बिस्किट्स या चॉकलेट की चीज़ों के साथ भी इसको गार्निश कर लें। और 4 से 6 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसको आप इस्तेमाल करें। जितना ठंडा होगा ये उतना ही मज़े का लगेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।